सो वेलकम टू अनदर वीडियो में आपका दोस्त विश्वनाथ, तनु फोटोग्राफी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि पैनिंग शॉट कैसे लेते हैं। अभी मैं जो बिहाइंड द सीन यानी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे पैनासोनिक 2785 से रोड का माइक है इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैनिंग फोटोग्राफी के लिए आपके पास कैमरा चाहे कोई भी एक DSLR होना चाहिए, वो चाहे फुल फ्रेम हो या हाफ फ्रेम हो, दोनों ही चल जाएगा। और एक टेलीफोटो लेंस होना चाहिए यानी जिसका जूमिंग पावर थोड़ी ज़्यादा। और दूसरी चीज़, अब हम कैमरे की सेटिंग की बात करते हैं। कैमरे का जो सेटिंग है इसमें वो रखना है शटर प्रायोरिटी मोड पे एंड इसका जो शटर स्पीड है वो कम से कम रखना है, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट है जब हम उसको कैप्चर करें तो एक जगह पे रहे और बाकी का बैकग्राउंड हिलता हुआ है। एंड सेकंड टाइम शॉट है उसको हम रखेंगे कंटिन्यूसली शॉट पे, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को फोटो खींचेंगे लाइक देखना साउंड, हाँ इस तरीके से, तो ये बिल्कुल वैसे होना चाहिए। तो अभी क्या करेंगे हम, इसको सेटिंग में शटर प्रायोरिटी मोड पे रखेंगे, शटर स्पीड रखेंगे 1/30 या फिर 1/60 तक, मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसका शूटिंग मोड है, अगर कैनन यूज़र हैं आप तो AI सर्वो मोड पे रखेंगे और सिंगल शूटिंग के जगह पे कंटिन्यूसली रखेंगे, ठीक है। सेटिंग हो जाए उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को या तो हम लेफ़्ट से राइट क्लिक करेंगे या फिर राइट से लेफ़्ट, इसको हम अप डाउन नहीं करेंगे क्योंकि इस कैमरे की जो सेटिंग है वो स्लो शटर स्पीड पे है। तो कोशिश ये करना है कि इसमें जो कैमरे में ट्राइपॉड यूज़ करें, कि अगर ट्राइपॉड यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जो कैमरा है वो शेक होगा तो हल्का सा ब्लर आने का संभावना रहती है। तो हमें क्या कोशिश करना रहेगा कि ट्राइपॉड यूज़ करें, लेकिन आज मैं ट्राइपॉड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सबसे और एक सेटिंग बेस्ट है जिसको हमें करना और ध्यान रखना है कि इसका जो एफ वैल्यू है यानी अपेचर है वो 10 कम से कम 10 और एफ मैक्सिमम 22-23 तक आप ले जाओ, क्योंकि हम लो शटर स्पीड पे जब खींचेंगे तो इसका शटर कुछ ज़्यादा टाइम के लिए ओपन होगा। अगर ज़्यादा टाइम के लिए ओपन होगा शटर तो फिर लाइट्स लेंस कैमरे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, जिससे कि हमारा जो फ़ोटो है वो ओवर एक्सपोज हो जाएगा। तो उस ओवर एक्सपोज को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एफ वैल्यू है वो 11 से या 12 तक रखते हैं, तो मैं भी इसको शटर जो एफ वैल्यू है वो 13-14 कर लेता हूँ। चलो कुछ फोटोग्राफ्स अभी हम लेते हैं एंड देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करना।